इनवर्स हेड एंड शोल्डर या राउंडिंग बॉटम पैटर्न ब्रेकआउट है सिप्ला में। इनफैक्ट ये फ्राइडे को भी मेरे नजर पे आ रहा था, पैटर्न आज कंफर्म हुआ है जब इसने 1520 के लेवल्स ब्रेक किए हैं। यहाँ पर बाय करेंगे एक 10-12 रुपए की रिस्क होगी, 1518 का आपका स्टॉप लॉस होगा। मेरा मानना है कि 1560 1570 तक आपको 1 से 2 दिनों तक ये मूव देखने को मिलनी चाहिए। और अगर थोड़ा सा पोजिशनल व्यू लेते हो तो ये पैटर्न का टारगेट हफ्ते 2 हफ्ते के व्यू से 1650 का है, जो काफी अच्छा टारगेट है, तो उसके लिए प्ले किया जा सकता है। ओके, तो ये है आपके लिए राय इस वक्त आती हुई सिप्ला पर, 1518 के स्टॉप लॉस से 1560 1570 के टारगेट पे है। तो